मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आजीविका महोत्सव, लोगों से संवाद, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा दूसरे दिन जिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया और जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा सहित करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि सीएम धामी ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आजीविका महोत्सव के जरिए पिछले वर्ष 6 करोड़ के सापेक्ष इस बार 20 करोड़ के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए गए। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को 246 करोड़ का बजट दिया गया। वहीं 298 करोड़ योजनाओं सहित घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम की तर्ज पर कुमाऊं के जनपदों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को मानस कॉरिडोर की कार्य योजना को ध्रुव गति से धरातल पर लाना योजना का जो है, साथ ही समीक्षा बैठक में विकास कार्य जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल सहित भारत माला प्रोजेक्ट समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोड मार्ग से जोड़े जाने की भी बात कही गई है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। एक ऋण लेने की जो पिछले साल जो धनराशि थी 6 करोड़ की, वो बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर कल हम लोगों ने 298 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस जनपद का किया है। साथ ही साथ यहाँ के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएँ भी की हैं। और अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज जो कि लंबे समय से यहाँ पर लंबित था और चल नहीं पा रहा था, भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसका निदान करते हुए यहाँ पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को चलाने की हमको स्वीकृति प्रदान की है।